हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज हम 10 एमसीक्यू सेशन में साइंस एंड एनवायरनमेंट के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस, 5 फ्रॉम साइंस एंड टेक एंड 5 फ्रॉम एनवायरनमेंट। ज़्यादातर क्वेश्चन करंट रिलेटेड हैं। जो अभी रिसेंट लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक न्यूज़ में है वो क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा उनको डिटेल में समझेंगे कि क्या चीज़ है, कंसेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज में अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 6 न्यूज में था, जिसकी बहुत अच्छी इमेजेस अभी इसरो ने जारी की हैं। उसी पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड बाय EOS 6, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 6। कौन सी इन तीनों में से, चीजों में से अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ऑब्जर्व करता है? ओशियन कलर डाटा, सी सरफेस टेम्परेचर, विंड वेक्टर। तीन चीजें, तीनों ही क्या करता है, EOS 6 ऑब्जर्व करता है। ये ऑब्जर्व करके फिर हमें जो है इट गिव्स द डाटा अबाउट ओशियन, ओशियन कलर और विंड पैटर्न क्या है ओशियंस के ऊपर, स्पेशली अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल पे ये चीजें हमें, ये डाटा मिलता है। इस डाटा से क्या क्या यूज हो सकता है इस डाटा का, इसका आंसर पहले देख लेते हैं। तीनों ही आपके ठीक है, आंसर क्या होगा, डी। देखो सीधी सी बात है, कलर, ओशियन कलर डाटा से आपको पता लग जाता है कि ओशियन की सिचुएशन क्या है। वहां फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, फाइटोप्लैंक्टोन्स कितने हैं, मतलब बायोमास प्रोडक्शन कितनी है। आपको सी सरफेस टेम्परेचर से पता लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है टेम्परेट साइक्लोन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब जब तक वो टेम्परेचर सी सरफेस का वो टेम्परेचर नहीं होगा, तब तक आप मानोगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आएंगे। इट विल हेल्प इन वेदर फोरकास्ट, और जो है अगर सिचुएशन चेंज होती है, जैसे ओशियन डायपोल बनता है, नेगेटिव डायपोल बनता है, इंडियन ओशियन डायपोल पॉजिटिव बनता है, वो सारी चीजें हमें सेटेलाइट से पता लगेंगी। विंड वेक्टर आपको विंड की डायरेक्शन, विंड की स्पीड ओशियंस के ऊपर क्या होती है वो बताने में हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सडनली नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट बनना, विंड्स का क्या है आपका, मॉनसून की ऑनसेट का साइन है कि नहीं है, वो सारी चीजें हमें वेदर फोरकास्ट करने में, कितनी स्ट्रोंग है विंड्स, क्या है मॉनसून, स्ट्रोंग होंगे वीक होंगे, वो सारी चीजें हमें ये सेटेलाइट बताएगा। इसके मेन तीन चार पेलोड्स हैं, ओशियन कलर मॉनिटर ये बताएगा आपको ओशियन का कलर, सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर ये पेलोड बताएगा आपको उसका सी सरफेस का टेम्परेचर, के यू बैंड स्कैटोमीटर ये आपको विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन बताएगा, विंड एनालिसिस के लिए यूज होगा आर्गोस एक आपका। हाँ जी, आर्गोस आपका फोर्थ पेलोड है, किसके ऊपर, EOS 6 के ऊपर। मेन मिशन ऑब्जेक्ट मिशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये क्या करेगा आपका जो है, हाँ जी, डेटा कंटिन्यूटी ऑफ ओशियन कलर एंड विंड वेक्टर डाटा टू इंप्रूव द एप्लीकेशन, सम एडिशनल डाटा सेट सच एज सी सरफेस टेम्परेचर, मोर नंबर ऑफ बैंड, ऑप्टिकल रीजन्स ऑफ फ्लोरोसेंस, इंफ्रारेड रीजन, अलग अलग जो है आपके रीजन्स में आपका वो इमेज कैप्चर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली इन न्यूज पेम्ब्रो लिस्डोमैब इज ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, किस चीज के लिए ट्रीटमेंट, किस चीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज होगी। अभी रिसेंटली ना रेयर डिजीजेस की जो ड्रग्स है उनकी एक्सपोर्ट ड्यूटी माफ की है गवर्नमेंट ने, फाइन। उनमें से उनके साथ साथ आपका पेम्ब्रो लिस्डोमैब की भी आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, हटा दी है। ये ड्रग यूज होती है किसके लिए, आपके पास चार ऑप्शन है। देखो ये दोनों, ये रेयर आपकी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है कैंसर, ये ड्रग कैंसर यूज के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। ये एक एंटीबॉडी बेस्ड ड्रग है, क्या है, एंटीबॉडी बेस्ड ड्रग है। ये एक कैंसर सेल पे PD-1 नाम के रिसेप्टर्स पे जाके चिपक जाती है, और उससे क्या होता है कि जो है वो हेल्प, वो कैंसर सेल को, कैंसर सेल क्या करती है आपके जो इम्यून सिस्टम है ना उसको सप्रेस कर देती है।
ये ड्रग क्या नहीं करती, उसे सप्रेस नहीं करती इम्यून सिस्टम को, करने नहीं देती इम्यून सिस्टम को, जिसके कारण क्या है कि आपके जो है इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को किल कर सकता है। तो ये ड्रग कहां यूज होती है? कैंसर के लिए। आपका आंसर क्या होगा? ए। चलिए, हां जी, प्रोटीन PD-1 पे ये बाइंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी रिसेंटली न्यूज में है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्यों है अभी मैं बात करता हूं। इट इज द एबिलिटी ऑफ सर्टेन मटेरियल टू जनरेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक है बिल्कुल। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड ओनली इन सॉलिड। सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड है क्वार्ट्ज इज द मोस्ट फेमस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। थर्ड भी बिल्कुल ठीक है, सेकेंड अभी तक ठीक थी रिसेंट टाइम तक, बट अभी न्यूज में क्या आया है, साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने आपका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिक्विड्स, फर्स्ट टाइम जो है आपका लिक्विड्स में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा गया है। तो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी ना, कि हम देखो अभी तक रिसेंट टाइम तक हम मानते थे कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका सिर्फ एंड सिर्फ किस में होता है, सॉलिड्स में होता है, लेकिन रिसेंट जो रिसर्च कहता है कि लिक्विड्स में भी होता है, तो आपकी स्टेटमेंट 2 गलत होगी ना। तो आपका आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 3। चलिए, हाँ जी, अभी वन वेब के 36 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं आपके LVM लॉन्च व्हीकल मैक 3 ने आपका जो है लॉन्च किए हैं 36 सैटेलाइट ऑफ वन वेब। तो वन वेब क्या है? आपकी तीन स्टेटमेंट है, कम्युनिकेशन कंपनी दैट एम्स टू बिल्ड ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज, फाइन। हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। दीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर लॉन्च्ड इन हाई अर्थ ऑर्बिट, HEO में। तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है? देखो, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये एक कंपनी है जो अराउंड 618 सैटेलाइट को लॉन्च करेगी और उसमें भारतीय एयरटेल भी पार्टनर है, भारतीय एयरटेल भी पार्टनर है इसमें वन वेब में। अब ये सैटेलाइट आपके लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च होंगे, कहां लॉन्च होंगे? लो अर्थ ऑर्बिट में। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, ना कि न्यू दिल्ली में। तो आपकी सेकेंड भी गलत होगी है। आपकी स्टेटमेंट कौन सी ठीक है? Only one statement is correct. चलिए, हाँ जी, आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मारबर्ग वायरस डिजीज आउटब्रेक हैज बीन रिपोर्टेड रिसेंटली। ये एक वायरल डिजीज है जो अफ्रीकन कंट्रीज में फैली हुई है। तो कौन सी कंट्री में अभी ये रिपोर्ट की गई है? देखो, ऑप्शन है तंजानिया, माली, युगांडा एंड नाइजीरिया। युगांडा एंड नाइजीरिया। अभी रिसेंटली तंजानिया में 5 डेथ रिपोर्ट की गई है इससे। हाँ जी, रिसेंटली 5 डेथ रिपोर्ट की गई है किससे? हाँ जी, मारबर्ग वायरल डिजीज। ये आपका, हाँ जी, बैट एंड मंकीज इसके होस्ट है। पहली बार मंकीज से ह्यूमंस में ये पास ऑन हुई थी 1967 में। सर्बिया वगैरह कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज में ये पहले फैली थी, अब ये अफ्रीकन कंट्रीज में फैल रही है, राइट। चलिए, अब एनवायरमेंट के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD पे। इट इज एन इंटरनेशनल नॉन बाइंडिंग ट्रीटी विद एम टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, CBD लीगली बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? गलत हो गई है। सेकेंड स्टेटमेंट, सबमिशन ऑफ नेशनल रिपोर्ट इज मैंडेटरी ऑब्लिगेशन ऑन पार्टीज ऑफ CBD। देखिए, कोई भी लीगली बाइंडिंग होता है, आपकी ट्रीटी होती है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो है सबमिशन ऑफ नेशनल रिपोर्ट्स कंपलसरी होता है। तो स्टेटमेंट 2 ठीक हुई या नहीं हुई? आंसर क्या होगा? बी। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल कन्वेंशन एम टू एंश्योर द सेफ हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ LMO लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बताइए। कार्टिजिना प्रोटोकॉल, नगोयो, स्टॉकहोम, रोटरडम। देखो, ये कन्वेंशन जो है हमें भी पता है कौन सी है, कार्टिजिना और नगोयो प्रोटोकॉल, दोनों CBD से निकली है। कार्टिजिना प्रोटोकॉल आपकी जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है,
या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनके रेफरेंस में आपकी ये, हाँ जी, ये प्रोटोकॉल है उनका सेफ हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट एंड यूज एलएमओस का, इस ट्रीटी के अंडर आता है। नगोयो प्रोटोकॉल आपका इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? कार्टेशियन प्रोटोकॉल, आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन क्लाउड सीडिंग? देखिए, क्लाउड सीडिंग होती है जब आप आर्टिफिशियली क्या करो, क्लाउड्स बनाओ। क्लाउड के लिए चाहिए होते हैं आपके हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होने चाहिए जिसके अराउंड आपकी कंडेंसेशन हो पाए। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो न्यूक्लियाई प्रोवाइड करेगा किसको, वाटर वेपर्स को कंडेंसेशन के लिए, वो आपका सीड कर सकता है क्लाउड्स, उसे क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। तो ड्राई आइस कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड बिल्कुल ठीक है, सिल्वर आयोडाइड बिल्कुल ठीक है, प्योर सोल्ट क्रिस्टल, सोल्ट क्रिस्टल भी, चारों के चारों ऑप्शन आपकी ठीक है। आपका आंसर होगा डी। आपका आंसर क्या होगा? डी। चलिए, काइगली अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? काइगली एग्रीमेंट है कि धीरे धीरे सभी कंट्रीज को एचएफसीज कम करने। अब ये एचएफसीज कहां से आए? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपके, हाँ जी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपके आए हैं किससे, बताइए मुझे। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आए हैं आपका, हाँ जी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, जहां सीएफसीज को बैन करके रेफ्रिजरेशन के लिए एचएफसीज यूज करने हैं। ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। क्या है? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। एचएफसीज ओजोन डिप्लेटिंग नहीं है, बट ये ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की ग्रीन हाउस गैस है, तो क्लाइमेट पे तो इंपैक्ट पड़ रहा है इसका। तो कंट्रीज ने सोचा कि हमें धीरे धीरे इसका यूज भी कम करना है और 2045 तक हमें 85% तक रिडक्शन करनी है एचएफसीज की। किसके अंडर है ये? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वेज फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन कैन बी मिनिमाइज्ड? बाय रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ बोथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से आपका, हाँ जी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से आपका नाइट्रिक एसिड बनता है, जो मेन कंपोनेंट है आपके एसिड रेन के। बाय अवॉइडिंग द यूज ऑफ कैटालिटिकल कन्वर्टर, ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि कैटालिटिकल कन्वर्टर क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को सिंपलर गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं जो पोल्यूशन नहीं करती है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या, कैटालिटिकल कन्वर्टर। तो ये लगे होने चाहिए। आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो कौन सी स्टेटमेंट गलत? ओनली वन इज योर आंसर, आंसर इज ए। चलिए, आज का सेशन यही ओवर करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।